there is fullness of joy in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. All your sorrows will be turned into joy. आपके सारे दुख आनंद में परिवर्तित हो जाएगा. If anyone is in Christ, यदि कोई यीशु मसीह में है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. The old has gone. पुरानी चीजें चले गई. And the new has come. और नया आ गया है. Today we have all come here to see Jesus. आज हम सभी यहाँ आए हैं यीशु मसीह को देखने के लिए. Carrying our burdens. जो हमारे बोझ को उठाकर चलता है. And we are all here as His children. और हम सभी यहाँ हैं उसके संतान के रूप. As we have come together. जैसे हम एक साथ आए हैं. Jesus says. यीशु मसीह कहते हैं. You are not together and you are not alone. और तुम जो है अकेले नहीं हो. I am coming to bless you. मैं आ रहा हूँ तुम्हें आशीष देने के लिए. परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं 3 महीने से दुष्ट आत्मा में गहरी थी. और अंजलि बहन ने भी प्रार्थना की. The old Satan is leaving you right now. पुराना शैतान छोड़ के जा रहा है. और मैं चंगी हो गई, इसलिए मैं प्रभु को और अंजलि बहन को धन्यवाद करना चाहती हूँ. Isn't Jesus great? He's greater than all the devils. इनका नाम आशा है. Sister Asha, बहन आशा, you have headaches, आपको सर की तकलीफ है, and you faint many times, और कई बार आप बेहोश होकर गिर जाती हैं. Jesus has touched you now. यीशु ने आपको छुआ है. मतलब मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आवाज भी महसूस नहीं कर सकती थी. आप दीदी ने बोले कि जिनका जहाँ पर दर्द होगा वहाँ अपना हाथ रखे. Put your hand upon the very place. उन अंगों में हाथ रखिए जो अंग काम नहीं कर रहे हैं. तो मैंने अपना हाथ सर पर रख लिया और मैंने आराधना में लीन हो गई. लेकिन अभी मेरे को पूरा फ्री महसूस हो रहा है. अभी कोई दर्द नहीं और कोई आंख में भी कुछ अंधेरा नहीं. पूरा मुझे आना Praise you, Jesus. यीशु की स्तुति करते हैं. What's your name? किशोर सर. Kishore, God is touching you right now. प्रभु आपको अभी छुरा है. The Holy Spirit is delivering you from the alcoholic spirit. पवित्र आत्मा आपको शराब से छुड़ा रहा है. पहली बार जिंदगी में मैंने आपको कल देखा है और आज देखा है. इसके पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा सर. और ये बात है परसों की. और मैंने बहुत शराब पिया था और मेरी बीबी से घर में मैंने झगड़ा किया और मेरी बीबी सुबह उठ के गुस्से से चली गई, किसी दूसरे के घर में आके बैठ गई. और मैंने उनको दिन भर ढूंढा और मैंने फ़ोन भी बहुत किया, वो नहीं आई मेरे पास. और उसी दिन कल की बात है सर ये. और ये प्रोग्राम आपका कल ही होने वाला था और कल मैं यहाँ पे आया और बहुत पीछे बैठा था और प्रभु की मैंने बहुत महिमा की और प्रभु से मैंने रो के भी बात की, प्रभु मेरी शराब छुड़ा दो, मेरे घर में बहुत परेशानी होती है शराब के चक्कर में. और मैंने मेरी भाभी को भी बहुत भला बुरा बोला और मेरे घर में बहुत परेशानी उस रात को हुई थी सर. और आज सर आपने मेरा नाम लिया. थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका, आपने हमारी शराब को छुड़ा दिया. आज के बाद कभी शराब नहीं पूंगा प्रभु यीशु, आप हमेशा हमारे साथ में रहना. Praise the Lord. That's the power of Jesus. सुलोचना. God is coming into your home. प्रभु आपके घर में आ रहा है. You have helped so many people. आपने कईयों की सहायता की. Now God is building your family. अब प्रभु आपके परिवार को बना रहे हैं. Every asthma is leaving you now. हर एक आस्मा की बीमारी जा रही है. Every curse is leaving every family tonight. हर एक शाप हर एक परिवार को छोड़ के जा रहा है. आज मुझे चंगाई मिली है. Today you have hope in Jesus. आज यीशु के द्वारा आपको आशा मिलती है. He has the power to bring you out of your nakedness. उसके पास वो सामर्थ्य है ताकि आपके जीवन की नंगाई से वो आपको बाहर ले आए. And he has the love to do that for you.